इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स, अंडरलाइन करो, वर्क डन बाय नेट, उसने ये नहीं कहा फोर्स, उसने कहा नेट फोर्स, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चलो सिंपल वर्ड में समझाता हूं। सिंपल वर्ड में सपोज आपके पास ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी है, यू है, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी और वेलोसिटी यू से मैंने कितनी कर दी, वी कर दी। ऑब्वियसली फोर्स लगाने से वेलोसिटी बढ़ गई, बॉडी एक्सेलरेट कर गई। तो ऐसा करने में मैंने क्या किया होगा, वर्क डन, तभी वेलोसिटी बढ़ी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो भी मैंने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया इन चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस ये कहती है जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई उतना ही मैंने क्या किया होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। जैसे इसकी इनिशियल एनर्जी 10 जूल है, अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी 15 जूल हो गई, तो मैंने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, 5 जूल का। इनका डिफरेंस निकालना है ना काइनेटिक एनर्जी का, वो मैंने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, स्टेटमेंट के साथ इसका प्रूफ आएगा। प्रूफ में जो हमने काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ किया, क्या किया हमने, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला FDS, फिर हमने F को क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन को क्या लिखा, dv/dt। सेम प्रूफ है काइनेटिक एनर्जी वाला। इस फोर्स को उठा के यहाँ पुट कर दिया mdv/dt, ds/dt को क्या लिख लिया, v। सेम प्रूफ है, बस लिमिट में फ़र्क है। काइनेटिक एनर्जी में लिमिट क्या लगाई थी, 0 से v, इसमें लिमिट क्या लगेगी, u से v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, बाकी सेम है। तो यहाँ पर वर्क डन v की इंटीग्रेशन v²/2 u से v, एक बार v अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, माइनस करो आंसर, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।